हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, फाइन। तो नेक्स्ट जो हमने पहले क्लासेज में देखे थे उसमें हमने देखा एडिशन के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट है। नाउ जो सप्लीमेंट है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने डाला है फॉर सब्ट्रैक्शन। सप्लीमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई जब आप कोई चीज़ प्लस या माइनस कर रहे हैं, सपोज हमारे पास अभी 20 है एंड इस 20 के अंदर से मुझे माइनस करना है 9 एंड आपके पास 9 माइनस करने के 9 है नहीं, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड 1 को अप करना पड़ेगा। ओके, एंड सेम टाइम अगर हमारे पास 8 माइनस करना पड़ेगा 10 को माइनस एंड 2 को अप करेंगे। ये प्रोसीजर्स लगा के हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिस मोर टाइम करेंगे तो हमारी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब अप है, माइनस का मतलब डाउन है। 10 डाउन करने का मतलब है, डाउन मतलब माइनस, तो डाउन का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शंस। ये आपको ऑलरेडी पता है पहले से, ठीक है ना। जब हमें कोई चीज़ प्लस करना होता है तो अप करते हैं, जब हमें कोई चीज़ माइनस करना होता है तो डाउन करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास 9 है, 9 में से 2 माइनस करना है तो 2 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस करना है 1 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2 प्लस तो 2 प्लस कर देते हैं। ये ऑलरेडी आपने पहले सीख चुके हैं। सेम टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ 77 माइनस 18 के लिए आपके पास 10 माइनस किया, फिर 8 माइनस करना है, 8 नहीं है यहाँ पे, 10 माइनस करके 2 प्लस कर देंगे, फिर माइनस 8 करना है। अब बताइए माइनस 8 करने के लिए आपके पास 8 तो है यहाँ पे, 8 माइनस कर दिया, प्लस 12 10 एंड 2, व्हाट इज द आंसर, 63। तो यहाँ पे 63 आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट टाइम 40 प्लस 20 माइनस 20 9 माइनस के लिए 10 माइनस 1 अप। यहाँ पे सप्लीमेंट फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने यूज़ किया, प्लस 22 तो 20 एंड 2 प्लस करने के फिर इधर 20, माइनस 19 के लिए 10 माइनस, अब 9 माइनस करना है तो अगेन 10 माइनस एंड 1 प्लस, व्हाट इज द आंसर, 14 आंसर। नेक्स्ट 31 प्लस 57 माइनस 19, अगेन वही सेम टाइम 10, फिर 9 के लिए 10 माइनस एंड 1 प्लस, फिर माइनस 59 माइनस 59, व्हाट इज द आंसर, 10 आंसर। 33 फिर माइनस 19 10, 9 नहीं माइनस कर सकते, फिर 10 माइनस किया 1 प्लस कर दिया, प्लस 35 माइनस 19 10, अगेन 9 माइनस कर सकते हैं तो 9 माइनस कर दीजिए, उस केस में 3। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दो बार 10 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 आंसर आ गया। मतलब आप सप्लीमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं और विदाउट सप्लीमेंट 10 अगेन फिर माइनस कर देते हैं, वो काम नहीं करना है आपको। 76 माइनस 25 प्लस 6 की लगा करके 516 प्लस 20 प्लस हो गया 7777। नाउ नेक्स्ट 15 प्लस 20 यहाँ से कर दिया, फिर प्लस 22 करना था ना तो 2 इधर से कर दीजिए प्लस, फिर प्लस 11 फिर माइनस 20, 9 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 10 अगेन माइनस है ना 20, हमने इसको फिर से करा 15 प्लस 22 प्लस 11 11 माइनस 29 माइनस के लिए 10 माइनस एंड 1 प्लस, व्हाट इज द आंसर, 19 प्लस 90 माइनस 9, व्हाट इज द माइनस 9 10 माइनस 1 अप, माइनस 28 माइनस करने के लिए 10 अगेन माइनस एंड 10 माइनस करके 2 को प्लस करना है, प्लस 20 कितना आंसर हो गया, 73।
ये हमारा आंसर है। इस टाइप से हम इस बेस का क्वेश्चंस करेंगे, बट एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको 3 times जरूर करेंगे। अगर आप कॉपी में लिख के करना चाहते हैं तो 3 times कीजिए, मेरे साथ कीजिए 3 times, एंड आफ्टर अगर वो क्वेश्चंस करते हैं तो 100% आपका स्पीड जो है इंक्रीज होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।